ये देखिए सीएन टावर, यहाँ से बहुत ही ऊंचाई है इसकी, वो आपको अंदर जाके बताएंगे कितनी है। ये अभी सारा बाहर से देखो कैसा लग रहा है, फिर ऊपर से दिखाएंगे ये बिल्डिंग कितनी छोटी और कितनी बड़ी लगती है। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैफे टू ऑल। तो मैंने आज तक आपको बड़ी दूर दूर से, जब से हम कनाडा आए हैं, टोरंटो आए हैं, तब से सीएन टावर वहाँ से दिखा रहे हैं, यहाँ से दिखा रहे हैं। और मैंने कहा था आपको एक वीडियो में कि जल्दी ही मैं आपको नज़दीक से सीएन टावर दिखाऊंगी, बल्कि ऊपर लेके जाऊंगी और फिर दिखाऊंगी। तो चलिए आज हम आए हुए हैं सीएन टावर, तो दिखाती हूँ आपको कैसा लगता है इतनी ऊंचाई से और इतने पास से। तो चलिए आइए देखिए। टिकट हम ऑनलाइन ले चुके हैं, अब यहाँ से अंदर जाएंगे। से हेलो, थैंक यू। अरे बाप रे, लंबी लंबी लाइनें और चेकिंग भी जबरदस्त। यहाँ पर सीएन टावर की लंबाई चौड़ाई लिखी गई है। हम जा रहे हैं 346 मीटर पर और 360 पर रेस्टोरेंट है, और कुल लंबाई है इसकी 353 मीटर। चलो, सब कहाँ चले गए हमें छोड़कर? अच्छा अच्छा, इधर जाना है। अरे ये क्या, पूरी मार्केट नीचे, वही शॉपिंग शॉपिंग करके जाओ अगर यहाँ पर भी आए हो तो। मोटे मोटे लाला, चलो मेरे गोपाला, जहाँ एज वॉक भी होती है जो इसके साइड में करवाते हैं। हमें तो डर लगता है, चलो देखते हैं। ये क्या, हाँ लेगो से बनाई है पूरी बिल्डिंग, सीएन टावर का स्ट्रक्चर सब बना दिया लेगो से, लेगो लैंड। चलिए लिफ्ट में सवार होकर चलते हैं अपने टारगेट पे, टावर के ऊपर। सिमरन, यहाँ पे ना एक मेरे को बात याद आ रही है, जब मीतू तेरी दीदी छोटी थी ना, एक बार हम मसूरी गए और वहाँ पे भी ऐसे बड़ी ऊंचाई से हम जब नीचे देख रहे थे, तो वो छोटी थी और तोतला बोलती थी, हाँ बुआ देखो नीचे कमान ही कमान। अब देख, तू देख कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग छोटी छोटी लग रही हैं, और ये गाड़ियाँ देख जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं। तो अब याद आ रही है मित्तू की, देख मित्तू ये देख छोटा सा खिलौना जहाज,
ये छोटे से मशरूम ही मशरूम अम्ब्रेला है बड़ी वाली किसी रेस्टोरेंट में। पानी और आसमान, ये मिलन हो रहा है धरती और आसमान का। ये है रेस्टोरेंट, एंजॉय करो, खाओ पियो। उंगली करना आगे नहीं तो नीचे करना है, हाथ बताओ। वो जो बोट्स वगैरह रहते हैं वो सारी फेरी जाती हैं तो आइलैंड, आइलैंड लाइक अभी सेंट्रल आइलैंड कहते हैं वो आइलैंड से बना तो वहाँ पर बीच वगैरह पे जाओ, मतलब डे स्पेंड करो या ये सब गर्मियों में खुलता है। बोट पे जाना चाहो बोट पे जाओ, एरोप्लेन पे जाना चाहो तो एरोप्लेन पे जाओ। ये बैंक का हेड ऑफिस, बड़ी सी बिल्डिंग जिसको अब हम छोटा सा देख रहे हैं। ये यहाँ इन्होंने नीचे ग्लास लगा रखा है और नीचे देखो और चलो इस पे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पहले से पूछ रही हूँ कि टूटेगा तो नहीं ना, अरे टूटना चाहे कहीं, चलो 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 आओ आओ धीरे धीरे वॉक करते हैं इसके ऊपर। हाँ देखो कितना नीचे, अरे बाप रे, थोड़ा सा खाते हैं पिज्जा विज्जा। सिमरन देख रेनबो, वाओ वो आज मौसम है ना ऐसा आधा ठंडा मतलब बरसात वाला थोड़ा सा धूप, कितना सुंदर रेनबो ना, लाइफ इज कलरफुल। हाँ जी आराम फरमाया जा रहा है, चले हैं। चलो अब हम आपको लेके चलते हैं वापस नीचे। ये वही टूरिस्ट स्पॉट पे जैसे वो सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शॉपिंग सेंटर बनाया होता है उन्होंने, वही है और हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं करा रहे हैं। हाँ जी बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, जैसे बहुत सारी बातें होती हैं जैसे फ्रेंड्स से होती हैं, अपने रिलेटिव भाई बहनों बंधुओं से सबसे हो रही है, कोई ना कोई ऐसे पूछता है कि वहाँ पे कैसा है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है। महंगा तो पता है ही, महंगा तो महंगा, वहाँ पे जो भी खरीदना है हमने डॉलर्स में खरीदना है और डॉलर के रेट क्या होते हैं आपको पता ही है, नहीं खर्च करनी है यहाँ पे, कितना कमाना है कितना खर्च करना है ये सब के ऊपर अपना अपनी पॉकेट अलाउ करती है और अपने किस चीज़ों के लिए जोड़ के रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है कि जितनी भी चिंताएं हो ना उसे आस्था में बदल दो, तो वो जो परमात्मा है ना वो सारा संघर्ष आशीर्वाद में बदल देता है और मैं तो वो लेकर आई हूँ उस परमात्मा का आशीर्वाद और वो खर्च कर रही हूँ। अपने बच्चे के रूप में आशीर्वाद मिला है या कनाडा आशीर्वाद के रूप में मिला है, बहुत सारी चीज़ें मुझे तो उसके आशीर्वाद थे। मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है, पैसा कमा कर खर्चने हैं या दुआएं कमा के खर्चनी है? मैं तो सोचती हूँ दुआएँ कमाओ तो वो ज़्यादा काम आती हैं, अपने आप काम हो जाते हैं सारे, हो रहे हैं, ये नहीं है संघर्ष नहीं होता, होता है लेकिन वो आशीर्वाद में बदल जाता है, बस मेरा मानना यही है। तो चलो अब CN टावर का टूर
का एंड करते हैं यहाँ पे। कैसा लगा आपको CN2? अच्छा लगा होगा, आई थिंक सो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ऊंचाई पे जाकर बहुत मज़ा किया। लेकिन लग रहा था पंख होते तो उड़ कर जरा देखती, थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाती। लेकिन चलो बहुत अच्छा था, जैसा भी था आपको भी अच्छा लगा होगा। दिखाया आप ऊपर से, हम नीचे आ गए। अब ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आप अपना काम करें ना करें, मैं अपना काम करती रहूँगी। चलो ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय।